उसको मरी हुई को रेफर कर रहे हैं, तो उसके पेट में बच्चा है। मैं जब जब आई मैंने उसको पेट उसका मैं देखने लगी, जब वो बच्चा उछल कूद कर रहा था ना, तो मैं उसको मैंने हिलाया तो मैंने उसकी बेन देखी तो वो जिंदा थी, और तब तक वो जिंदा थी। ठीक है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, इन्होंने वो मशीने शीने सारा कुछ निकाल दिया डॉक्टर साहब को। और ये बहन जी अगर नहीं होती आज, वो माँ तो चली गई लेकिन वो जो लास्ट निशानी उस माँ की रहती वो भी नहीं माँ में मिलती अगर वो बहन जी यहाँ पे नहीं होती। मैं 6 दिन से देख रही हूँ, 2 बंदे मेरे सामने मर गए। एक बंदा परसों जो था वो उसको टैग हुआ था, उसको लाया, डॉक्टर सोए थे। वो कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ 8 बजे डॉक्टर सो जाते हैं डॉक्टर साहब को। और ये बहन जी अगर नहीं होती आज, वो माँ तो चली गई लेकिन वो जो लास्ट निशानी उस माँ की रहती वो भी नहीं माँ में मिलती अगर वो बहन जी यहाँ पे नहीं होती। उसको मरी हुई को रेफर कर रहे हैं, तो उसके पेट में बच्चा है। मैं जब जब आई मैंने उसको पेट उसका मैं देखने लगी, जब वो बच्चा उछल कूद कर रहा था ना, तो मैं उसको मैंने हिलाया तो मैंने उसकी बेन देखी तो वो जिंदा थी, और तब तक वो जिंदा थी। ठीक है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, इन्होंने वो मशीने शीने सारा कुछ निकाल दिया। पांच दिन कामे लारे लगा रहे हैं और नॉर्मल प्रश्न हो जाने, नॉर्मल कोई बड़ा प्रश्न नहीं होने, नॉर्मल रिव्यू होनी है। हम जब इनको बोलते हैं भाई जम्मू पे जो हमारे नहीं ट्रीटमेंट है जम्मू पे, ये बोलते हो जाएगी कल परसों, अभी तक कोई डॉक्टर उठे नस्ल रात को आती हैं सोती हैं, नींद को नहीं देती पूरी रात को। आप जिससे कि हम एक गुची राय थे उनको देखने दिखाने के लिए, उनकी बीबी अभी बच्चा हुआ उनको दिखाने के लिए, ये उन्होंने बेचारा ट्यूसडे से फ़ोन किया तब वो नीचे से आए हैं। ये तो हालत है, हॉस्पिटल की लाख लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं और काम करने की बारी आती है, हमें नींद लगी है। परिवार जो है ये यहाँ पे इलाज के लिए दर बदर भटक रहा है, इनको कोई चीज बताई नहीं गई कि कितनी गहरी प्रॉब्लम कितनी है, लेकिन आज जब रेफर करने के लिए कहा गया, रेफर करने के लिए तैयार निकले, उसके बाद आनन फानन में मैटर उसको एम्बुलेंस को दोबारा से अंदर लाया गया। आगे की कहानी क्योंकि बहन जी वहाँ पे थी, ये आपको मुझे कॉल की, मेरी भाभी ने कॉल की, मेरे बच्चे को देखने आए थे, मेरी भाभी मुझे बाहर से कॉल करती है तू बाहर आ जा, मैंने बोला क्यों, बोलते एक लेडीज मर गई है, मैंने बोला फिर मैंने क्या करना, बोलते तो मैं भी प्रेशर में आ गई, जब बच्चा जिंदा तो बच्चे को निकालने वाली कोशिश करो। फिर मैंने सब जो जितने भी भाई थे, उसका भाई था एक लड़की का, मैंने बोला उसको रेडी पे डालो, मैं लेके जाऊंगी अंदर, मैं सीधा चली गई ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, वो बोलते कि आपका क्या रिश्ता है इनके साथ, मैंने बोला मगर अच्छे हैं, पूजा डॉक्टर अच्छे हैं, हमने उनको कहते वो बेटर है, उन्होंने ही देखा था वो अच्छे हैं, लेकिन मैंने उनको बोला मैम इनका ऑपरेशन पहले करो, बच्चा बचाना है। ठीक है, उन्होंने फिर मैं उधर ही खड़ी हो गई, मुझे बोलते बाहर जाओ, मैं बाहर नहीं आई, मैंने बोला मेरी आंखों के सामने ऑपरेशन करो और मैं बच्चों को संभालती हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने ऑपरेशन किया, लड़की हो गई, बट उसकी माँ की जान तो नहीं बच गई। इधर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं 6 दिन से देख रही हूँ, 2 बंदे मेरे सामने मर गए। एक बंदा परसों जो था वो उसको टैग हुआ था, उसको लाया, डॉक्टर सोए थे। वो कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ 8 बजे डॉक्टर सो जाते हैं, जब सुबह 8 बजे उठते नहीं है वो। फिर मैंने उस बंदे को बोला लॉ करो, आप दरवाजा खटकाओ कि बंदा इतना, उसका ब्लड मेरे सामने आ गया, बंदा मेरे सामने मर गया। चाहे कोई ड्रिंक भी करता है, कुछ भी करता है, बट बचाना तो जरूरी है ना उसको। तो अब बच्चे को बोल रहे हैं कि जम्मू रेफर करेंगे तो करवा लेते, इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है, ये सामने आते नहीं है, कोई बात नहीं करते।
पेशेंट बाहर मर रहा है, कोई हाथ नहीं लगा रहा, कोई हाथ नहीं लगा रहा, किसी कोई नहीं देख रहा, या तो सुपरिटेंडेंट ही चोर है, पैसे ले रहा है इनसे, प्राइवेट डॉक्टर के लिए इनके पास टाइम है, चोर है, यहाँ जाने के लिए जब लखनऊ पे दे रहा है, चोर है, जिन्हें नाम पे हैं, जो दिमाग से सारे चले गए हैं जहाँ से, छुट्टी है, बीमार है, तो हॉस्पिटल का चार्ज किसको दे के गए हैं, दूसरे को भी जो भी रहा है एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज दिया ना मुझे, अभी तो जाना, अभी सर अभी 3 बजे रिटर्न चार्ज नहीं है, अभी 5 बजे चार्ज नहीं दिया, रिटर्न नहीं दिया, बर्क नहीं दिया, लेकिन आज दिया ना 4 बजे।